डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 3 में आज डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल को, जो कि ये न्यूमेरिकल आधारित है योगिक लीवर यानी कंपाउंड लीवर पर आधारित न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। यहाँ पर चित्र में दिखाए गए एक योगिक लीवर यानी कंपाउंड लीवर द्वारा 20 न्यूटन का बल लगाने से कितना भार उठाया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर कंपाउंड लीवर दे रखा है और इस कंपाउंड लीवर में 20 न्यूटन का बल लगाने से यानी प्रयास जो है आपका इफर्ट 20 न्यूटन है और कितना भार उठाया जा सकता है, इसमें भार का मान पूछा है। इस लीवर का लाभ भी ज्ञात कीजिए यानी इसका मैकेनिकल एडवांटेज और लीवरेज हमको दोनों निकालना है। ठीक है, देखते हैं देखिए कैसे। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले कंपाउंड लीवर आपको पता है कि दो या दो से अधिक सरल लीवर या बैल क्रैंक लीवर के कॉम्बिनेशन से यौगिक लीवर यानी कंपाउंड लीवर बनता है। ये हमने लीवर वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कंपाउंड लीवर क्या होता है, दो या दो से अधिक सरल या बैल क्रैंक लीवर को मिलाकर या कंबाइन करके कॉम्बिनेशन से कंपाउंड लीवर बनता है। तो यहाँ पर एक कुछ ये कंपाउंड लीवर ही बना हुआ है। एक लीवर इसमें देख लीजिए, ऊपर वाला पोर्शन यहां से, ये ऊपर वाला एक लीवर है। ठीक है, और एक लीवर नीचे वाला है। ठीक है, तो यहां पर जो लीवर ऊपर दे रखा है ये आपका प्रथम वर्ग का लीवर है, जिसमें आलंब बीच में है, एक तरफ प्रयास लगाया और दूसरे तरफ ये भार को उठाने के लिए बताया गया कि भार लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भार को हमें उठाना है, क्यू न्यूटन का कोई भार दे रखा है। ठीक है, और दूसरा वाला जो लीवर यहां देखिए, ठीक है, ये भी आपका जो लीवर है ये, इसमें आपका भार बीच में है, आलंब एक तरफ है और इधर हम इस भार को उठाने के लिए हम प्रयास इस पॉइंट पर लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो है यौगिक लीवर और ये जो है नीचे वाला लीवर नंबर सेकंड है, ये आपका जो एग्जांपल हमने बताया था, ठीक है, सरल लीवर में यानी जो सरौता का एग्जांपल बताया था, कुछ उस तरह से ये सरौता वाला एग्जांपल। ठीक है, शायद सेकंड टाइप का लीवर था। ठीक है, सेकंड वर्ग का या थर्ड, जो भी आप देख लेना। ठीक है, इसको कंबाइन करके ये आपका कंपाउंड लीवर बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए खास बात यह है कि ये जो है आलंब है, यहाँ पर 20 न्यूटन का बल लगाते हैं नीचे की ओर, तो W न्यूटन का ये भार उठाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा लीवर इस पहले लीवर के साथ कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, अटैच के साथ दूसरा, तो ये जो भार है पहले लीवर के लिए, जो भी आपका भार है वो दूसरे लीवर के लिए प्रयास का काम करेगा। ठीक है, दूसरे लीवर के लिए प्रयास का काम करेगा। कैसे काम करेगा? ठीक है, अब यहां पर कंबाइन करके आप देख लीजिए। देखिए इसके लिए हम जब नीचे खींचेंगे, ठीक है, तो ये इस आलंब पर रोटेट होगा, ये छड़ क्या इस आलंब पर रोटेट होगी कुछ इस तरह से, है ना। तो इस वाले पॉइंट पर जो भार लगा हुआ, भार ऊपर की ओर उठेगा, है ना, और ये भार इस पॉइंट से अटैच है तो ये भी ऊपर के लिए खींचेगा। जब ये ऊपर के लिए खींचेगा, ठीक है, जब ये वाला पॉइंट ऊपर की ओर खींचेगा तो भार ऊपर उठेगा और ये आलंब टू पर ये लीवर नंबर सेकंड रोटेट होगा। तो कुछ इस तरह से ये दिया हुआ है। तो पहले लीवर के लिए अगर हम बात करें, आपको पता है पहले लीवर के लिए यहाँ पर अगर ये टोटल संतुलन की अवस्था में है, और हम यहाँ मान के चलते हैं कि ये आपको पता भी है, हमने पढ़ाया भी है कि जो लीवर होते हैं वो आगुणों के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो पहले लीवर के लिए अगर हम बात करें तो पहले लीवर के लिए क्या होता है, आपका प्रयास गुणा प्रयास भुजा बराबर भार गुणा भार भुजा। ठीक है, यानी पहले लीवर के लिए आलंब से आलंब ये आपका प्रयास, अगर ये है प्रयास गुणा प्रयास भुजा, यहां पर यानी पी गुणे ए एफ वन बराबर किसके होगा, भार गुणे भार भुजा क्यू गुणे बी एफ वन। तो ये हमने पहले लीवर के लिए लगा दिया और यहां पर पी का मान लगा दिया जो भी दे रखा है, और ये हमने ए एफ वन की डिस्टेंस लगा दी। ठीक है, प्रयास गुणा प्रयास भुजा, और ये भार क्यू है और भार भुजा 10 है। तो यहां से हमने क्यू का मान निकाल लिया 120 न्यूटन। अब ये 120 न्यूटन है वो भार इस पी बल द्वारा उठाया जा रहा है, बल पी लगाकर 120 न्यूटन का भार उठाया जा रहा है और ये सेकंड लीवर के साथ अटैच है, तो ये जितना क्यू है उतना ही इस पर अब प्रयास लगेगा ऊपर की ओर, क्योंकि डोरी से ये अटैच है ना, एक दूसरे के साथ अटैच है। तो अब यहां पर जो प्रयास है सेकंड लीवर के लिए, पहले लीवर के लिए भार
सेकंड लीवर के लिए प्रयास का काम करेगा क्योंकि एक दूसरे के साथ अटैच है। तो दूसरे लीवर के लिए भी हम ये लगाएंगे, ठीक है। दूसरे लीवर के लिए ये प्रयास हो गया, प्रयास गुणा प्रयास भुजा। अब प्रयास भुजा क्या होगी, देखिए प्रयास क्यू है तो प्रयास भुजा क्या होगी, प्रयास से लेकर आलंब तक की दूरी आपको पता होना चाहिए, प्रयास से लेकर आलंब तक की दूरी, ठीक है। तो प्रयास गुणा प्रयास भुजा सी एफ टू। भार गुणा भार भुजा, भार कहाँ लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर बताया था अगर कोई लीवर है कुछ इस तरह से, ठीक है, अगर मान लीजिए लीवर ये है और इसका यहां पर कोई ये है आपका क्या है कोई भी टेक है और भार यहां लगा हुआ है डब्लू है, डब्लू उठाने के लिए हम प्रयास लगाते हैं अगर यहाँ पी है ना इस तरह से, तो ये पॉइंट अगर मैं कह दूं ए है, ये बी है, ये सी है ना, तो इसके लिए प्रयास गुणा प्रयास भुजा यानी प्रयास पी है और प्रयास भुजा यानी यहां से लेकर यहां तक की ये प्रयास भुजा कहलाएगी जो कि होगी ए सी। भार डब्लू और भार भुजा कहां से होगी, बी से लेकर ए तक यानी ए बी, ठीक है। तो इस तरह से हम फार्मूला हमने पढ़ा था पीछे, तो फार्मूले का हमने यूज कर लिया, ठीक है। इसको मैं समझाने को आपको यहां पर बताया था, आपको याद दिलाने को, ठीक है। सेकंड लीवर के लिए हमने फार्मूला लगाया क्यू का मान 120 जो कि हमने पहले लीवर के लिए निकाला था, ठीक है। पहले लीवर के लिए भार, दूसरे लीवर के लिए प्रयास का काम करेगा, और ये भुजा हमारे पास यहां से लेकर यहां तक कुछ गलत हो गया, ठीक है। सी, सी से लेकर यहां तक की दूरी 55 गुणा ये गलत है, ठीक है। कितना लगाएंगे हम यहां पर सी एफ टू यानी 55 गुणे 15 70 हो जाएगा, ठीक है, यहां 70 लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कितना होगा 120 गुणे 70 बटे कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो 15 अट्ठे 120 और 8 सत्ते 56, ठीक है, इतना न्यूटन हो जाएगा हमारे पास। अब लीवर का हमें लाभ निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज यानी यौगिक लीवर, कंपाउंड लीवर के लिए मैकेनिकल एडवांटेज निकालें तो लीवर लाभ, ठीक है, लीवर का लाभ। तो लीवर का लाभ आपने फार्मूला पढ़ा था, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, भार अपॉन प्रयास, ठीक है, भार अपॉन प्रयास यानी डब्ल्यू अपॉन पी। तो डब्ल्यू हमारे पास कितना है, ठीक है, डब्ल्यू का मान आ गया 560 और पी का मान कितना आया हमारे पास 120, ठीक है, 120 आया है। तो इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे और यहां पर जो मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमारे पास यहां 560 को हम भाग कर रहे हैं, यहां पर कुछ गलत हो रहा है, 20-15 दिया हुआ है, डब्ल्यू 560 अपॉन 20 कैसे जाएगा, यानी इससे इसको काट दिया। चलिए देखते हैं एक मिनट, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर हमें 120 ये हमने कहाँ से उठाया है, 120 क्यू, अच्छा 120 ये आ गया और ये हमारे पास 70 हो गई, ठीक है, डब्ल्यू इंटू 15 हमारे पास ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी उसको हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ठीक है, यानी हमारे पास क्या आएगा, भार अपन प्रयास, ठीक है, यहां पर गलती कर रहे हैं। प्रयास हमारे पास देख लीजिए, प्रयास कितना है ये दे रखा है 20, है ना, प्रयास कितना है 20, तो हम 20 लेंगे, 0 से 0 और यहां पर इतना आ जाएगा 28, है ना, 28 हमें मिलेगा लीवर लाभ, ठीक, 28 लीवर लाभ हो गया आपका। मिस्टेक हमारी कहां हो रही थी, हमने पी की वैल्यू वहां से लगानी है, ठीक है, तो यहां से हमें पी की वैल्यू लगानी थी तो हमने ये निकाल लिया। अब लीवर का लीवरेज हमें निकालना है, तो लीवर का लीवरेज निकाल लीजिए आप, ठीक है, लीवर का लीवरेज, तो लीवर लाभ या लीवरेज दोनों बात एक ही होती है, आपको पहले भी हम बता चुके थे, ठीक है, लीवर का लीवरेज यानी यौगिक लीवर का लीवरेज, ठीक है। तो हम यहां लिख ले रहे हैं यानी यौगिक लीवर का लीवरेज, ठीक है भाई। तो लीवरेज के लिए हमने बताया था क्या होता है हमारे पास, पहले लीवर का लीवरेज गुणा दूसरे लीवर का लीवरेज गुणा तीसरे लीवर का लीवरेज, ये हमारे पास फार्मूला होता है। हम क्या लिखेंगे, पहले लीवर का लीवरेज गुणा दूसरे, ठीक है, लीवर का
लीवरेज। अब लीवरेज आपके लिए क्या होता है, ठीक है, लीवरेज के लिए मैं फार्मूला बताया था आपके लिए, ठीक है, क्या होता है, प्रयास भुजा अपॉन भार भुजा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, प्रयास भुजा बटे भार भुजा, ठीक है, प्रयास भुजा बटे भार भुजा। अब भुजा हम कर दे रहे हैं पहले लीवर के लिए, यानी फर्स्ट, यहां लिख दे रहे हैं फर्स्ट लीवर के लिए प्रयास भुजा अपॉन भार भुजा गुणा सेकंड लीवर की, ठीक है, प्रयास भुजा बटे भार भुजा। फार्मूला पढ़ा था आपने, ठीक है, तो पहले लीवर की जो प्रयास भुजा है वो कितनी है, यहां से यहां तक है, तो हम चलो इसको लिख दे रहे हैं ए एफ वन अपॉन, ठीक है, भार भुजा क्या है यहां से यहां तक, बी एफ वन गुणे सेकंड लीवर के लिए प्रयास भुजा यहां से लेकर यहां तक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रयास हमारे पास लग रहा है इस एंड पर सी पॉइंट पर, और आलंब तक की दूरी लेते हैं हम, तो हमारे पास हो जाएगा सी एफ टू प्रयास भुजा, और भार भुजा, भार हमारे पास डी पॉइंट पर लग रहा है, तो आलंब से डी तक की दूरी डी एफ टू, ठीक है। तो ए एफ वन का मान हमारे पास 60 है, 60 सेंटीमीटर, और बी एफ वन का मान 10 है, 10 सेंटीमीटर, सी एफ टू का मान, सी एफ टू का मान हमारे पास 55 प्लस 15 फिर से 70 हो जाएगा अपॉन डी एफ टू का मान 15 है, ठीक है, ये हो गया। तो यहां देखिए, ये हमने शून्य से शून्य काट दिया, 15 चौक 60 और 4 सत्ते 7 चौक 28, तो 28 हमारे पास ही आ गया। तो हमने देखा मैकेनिकल एडवांटेज और लीवरेज दोनों एक ही होते हैं, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, भार बटे प्रयास, और लीवर का लीवरेज के लिए हम उनकी भुजाओं में रिलेशन निकालते हैं, क्या, किसी लीवर की भुजाओं में रिलेशन, यानी प्रयास भुजा बटे भार भुजा, इसको लीवरेज बोलते हैं, लीवर का लीवरेज, दोनों चीजें एक ही होती हैं और आंसर भी सेम ही आता है। तो आपने देखा यहाँ पर आंसर हमारे पास सेम आया, तो इस तरह से हमने एयोगिक लीवर का लीवरेज निकाला है। और यहीं पर हम अभी दूसरा क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, सेकंड न्यूमेरिकल में ये संयुक्त लीवर का लीवरेज निकालना है, संयुक्त लीवर का नहीं, लीवर का प्रयास, ठीक है, क्वेश्चन इस चित्र में दिया हुआ है, और यहाँ पर ये पी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कंपाउंड लीवर दिया हुआ है, तो कंपाउंड लीवर में दो लीवर है, पहला ऊपर वाला ये लीवर है जिसकी ये आलंब है और ये दोनों भुजाएं हैं, सेकंड लीवर में ये इसका आलंब है और एक ये भुजा और एक ये भुजा, दो भुजाएं दे रखी हैं, तो डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पी को कैलकुलेट करना है, तो पी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम पहले लीवर का लीवरेज निकालेंगे, पहले लीवर का लीवरेज या मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, लीवरेज या यांत्रिक लाभ, ठीक है। तो पहले लीवर का लीवरेज हम निकालेंगे, तो पहले लीवर का लीवरेज क्या होगा, प्रयास भुजा अपॉन भार भुजा, प्रयास भुजा बटे भार भुजा। तो प्रयास भुजा हमारे पास क्या है, ए एफ वन, हमें लिखेंगे ए एफ वन अपॉन भार भुजा हमारे पास हो जाएगा बी एफ वन, भार इस पॉइंट पर लगा हुआ है, हम ऐसे मान लेंगे, ठीक है, मान लीजिए भार क्यू लग रहा है और क्यू भार सेकंड लीवर के लिए प्रयास का काम करता है, ठीक है, यहाँ पर, तो यहां हमारे पास ही हो जाएगा प्रयास भुजा अपॉन भार भुजा वन अपॉन टेन, टेन हमारे पास हो गया। अब दूसरे लीवर के लिए लीवरेज, ठीक है, यानी दूसरे लीवर का लीवरेज, दूसरे लीवर का लीवरेज निकालेंगे, तो दूसरे लीवर के लिए प्रयास यहां पर है, ठीक है, तो क्या होगा, प्रयास भुजा यानी ए एफ टू बटे भार भुजा, भार इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, पॉइंट सी मान लिया यहां पर, तो हो जाएगा सी एफ, क्या हो जाएगा, सी एफ टू, ठीक है। तो प्रयास भुजा यहां से यहां तक होगी, यानी 22 प्लस 2 24 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगा, तो 24 बटे 2 बराबर 12। ये सेकंड लीवर के लिए लीवरेज आ गया।
अब संयुक्त लीवर के लिए लीवरेज क्या होता है? संयुक्त लीवर के लिए लीवरेज, तो संयुक्त लीवर का लीवरेज, संयुक्त लीवर का लीवरेज क्या होगा? पहले लीवर का लीवरेज गुणा दूसरे लीवर का लीवरेज बराबर संयुक्त लीवर का लीवरेज, ये हमारे पास 120 हो गया। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फार्मूला क्या होता है? यानी यांत्रिक लाभ, यानी मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन पी। ठीक है, और डब्ल्यू अपॉन पी को हम कहते हैं क्या? प्रयास भुजा बटे भार भुजा, नहीं भार भुजा अपन प्रयास, है ना, भार अपन प्रयास, और प्रयास भुजा बटे भार भुजा। ठीक है, यह इसको कहते हैं क्या? प्रयास भुजा बटे भार भुजा, यानी डब्ल्यू अपॉन पी यानी भार अपॉन पी, भार और प्रयास में रिलेशन ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज के लिए, और भुजाओं में रिलेशन ये होता है प्रयास भुजा अपॉन भार भुजा। लीवर वाला वीडियो आप पहले देख लें, उसके बाद इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो प्रयास भुजा हमारे पास जो है वो कितनी है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो प्रयास भुजा हमारे पास जो है कितनी हो जाएगी? प्रयास भुजा इस लीवर के लिए 30 हमारे पास जो है भार है। ठीक है, देखिए W के लिए मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, W मेरे पास क्या है? इस रिलेशन को हटा देता हूँ, W देख लीजिए, W मेरे पास क्या है? ये है 30 किलो न्यूटन में है, तो मैं इसको न्यूटन में चेंज कर ले रहा हूँ, 1000 से गुणा कर ले रहा हूँ। ठीक है, प्रयास मेरे पास क्या है? पी, जो कि मुझे ज्ञात करना है, और मैकेनिकल एडवांटेज जो हमारे पास आया वो कितना है? 120, तो हमें लगा दें 120। फार्मूले में हमने क्या मैकेनिकल एडवांटेज संयुक्त लीवर के लिए मैकेनिकल एडवांटेज ये निकाल लिया। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज की जगह पर मैकेनिकल एडवांटेज लगा दिया, और डब्ल्यू क्या है हमारे पास? 30 किलो न्यूटन, तो हमने उसको न्यूटन में चेंज कर लिया, और प्रयास हमें ज्ञात करना है वो हमने पी लिख लिया, तो हमारे पास पी बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, पी बराबर हो जाएगा 30 गुणे 1000 बटे 120। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे, और 3 चौक 12 4 से भाग देंगे इसके लिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 250। ठीक है, 250 न्यूटन, तो हमारे पास ये क्या है? प्रयास आया 250 न्यूटन। ये हमसे पूछा गया था कि प्रयास क्या होता है, यहाँ पर इसमें प्रयास को कैलकुलेट कीजिए, प्रयास निकलवा रहे हैं, तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, हमें क्या है, हमें फार्मूला पता होता है मैकेनिकल एडवांटेज बराबर, ठीक है, या लीवरेज इक्वल टू भार बटे प्रयास। क्योंकि संयुक्त लीवर है, तो संयुक्त लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज, या फिर हम लीवरेज की बात करें तो हमने निकाल लिया। लीवरेज कैसे निकालते हैं? संयुक्त लीवर का लीवरेज कैसे निकालते हैं? पहले लीवर का लीवरेज गुणा दूसरे लीवर का लीवरेज, तो पहले लीवर का लीवरेज हमने निकाला था, दूसरे लीवर का लीवरेज निकाला था, दोनों की गुणा करके 120 हमने निकाल लिया लीवर का लीवरेज, तो वो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज ही कहलाता है 120। और यहाँ पर हमें भार दे रखा है, जो संयुक्त लीवर है उसमें ये टोटल भार हमारे पास ये है 30 किलो न्यूटन, तो 30 किलो न्यूटन के भार को हमने न्यूटन में बदल लिया। ठीक है, हम यहाँ पर बता दें आपको, 1 किलो न्यूटन बराबर 1000 न्यूटन होता है। ठीक है, ये 30 किलो न्यूटन है, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, न्यूटन में चेंज हो गया, और पी हमें ज्ञात करना है, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। इसको हम सॉल्व करके इस रिलेशन को आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये चीज हमने जो दिखाई है एरो से, ठीक है, ये दिखाया है कि जो ऊपर वाला यहाँ से, ठीक है, ऊपर वाला जो आपका लीवर है, ठीक है, ऊपर वाला जो लीवर है यहाँ पर इस तरह से दिखा दीजिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ से, है ना, ये पी आपका यहाँ पर है, यानी जो ऊपर वाला, इस लाइन से ऊपर वाला जो लीवर है उसमें आलंब ये है, और आलंब के एक एंड पर यहाँ प्रयास लगाया गया है। ठीक है, आलंब से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रयास लगाया गया है, और क्यू भार को उठाने के लिए, ठीक है, ये हमने मान लिया अपनी तरफ से, एग्जाम ये जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, हमने मान लिया कि क्यू ये भार उठाना है हमें पी प्रयास लगाकर। ठीक है, और ये जो पी प्रयास है वो क्यू ये जो भार है वो सेकंड लीवर के लिए प्रयास का काम करता है, क्योंकि ये अटैच होता है यहाँ पर, संयुक्त लीवर इसलिए। ठीक है, जैसे हमने ये अभी पिछला वाला वीडियो बताया था, मतलब पिछला वाला जो क्वेश्चन लिया इसी वीडियो में, पिछला जो क्वेश्चन लिया है
उसमें हमने इसको समझाया गया। सेकंड लीवर हमारे पास ये है, सेकंड लीवर में ये इसका आलंब है, ठीक है, और इस पॉइंट पर हमने क्या प्रयास को लगाया और भार को यहाँ पर बीच में रखा हुआ है। तो भार ये है, तो इस तरह से हम क्या करते संयुक्त लीवर के लिए लीवरेज, मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करें, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।